तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एक न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोको एक्स थ्री प्रो को लॉन्च होते हुए अभी एक साल पूरे हो चुके हैं, और एक साल के बाद क्या इसका परफॉर्मेंस सेम है या फिर नहीं है, और क्या आप लोग को 2022 के अंदर ये वाला फ़ोन लेना चाहिए पोको एक्स थ्री प्रो गेमिंग के लिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और क्या हम लोग को दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है सेम प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पोको एक्स थ्री प्रो अच्छा नहीं है गेमिंग के लिए, वो ब्लास्ट वेस्ट हो रहा है, मदरबोर्ड खराब हो रहा है, और क्या ये सच बात है या फिर नहीं है, पूरा सब कुछ बात करेंगे, लैग करता है क्या नहीं करता अपडेट के बाद, पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे, और सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों को ये अभी के टाइम पे लेना चाहिए क्या फ़ोन नहीं लेना चाहिए गेमिंग के लिए, क्योंकि इससे अच्छा हम लोगों को कोई और दूसरा चॉइस मिलता नहीं है। स्नैपड्रैगन 860 सिर्फ हम लोगों को 20,000 के अंदर इसी फ़ोन के अंदर मिलता है। तो अभी पूरा वीडियो को बस एंड तक देते रहना, मैं सब कुछ बता रहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, बस आप लोग को देख देखो। पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से खेला है, मेरे को पता है कि उसके अंदर क्या क्या रहता है, मतलब कैसा परफॉर्मेंस निकलता है, कैसा क्या रहता है, और मैंने बहुत पहले बता दिया था कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मदरबोर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता था टाइम पे। लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादातर लोगों का जब होने लग गया, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका जब ये होने लगा ये सेम चीज़ प्रॉब्लम, तो सब लोग विश्वास करने लगे कि नहीं भाई ये मेडिक्स सही बोल रहा है। लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत पहले बोल दिया था कि जो पोको एक्स थ्री प्रो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मदरबोर्ड उड़ रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, बोल रहा है भाई ये हीट तो करेगा ही फ़ोन है। अब देखो हीटिंग करता है सब फ़ोन है, लेकिन एक अलग सा फीलिंग आता है कि जलने जलने जैसा बास मारता है, मैंने वो सब चीज़ बताया था, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, सब लोग मेरे को हेट दे रहे थे, सब लोग डिसलाइक मार रहे थे, तो मैंने सोचा कोई नहीं डिसलाइक मार रहे तो कोई बात नहीं, अभी विश्वास नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद सबका जब होगा तब पता चलेगा। और यही चीज़ सेम हुआ, कुछ दिन के बाद सभी का सेम प्रॉब्लम आना चालू हो गया। और ये जो आप लोग पीछे बैकग्राउंड के अंदर गेम प्ले देख रहे हो, ये भी पोको एक्स थ्री प्रो का ही है, तो मैं बहुत दिन के बाद खेल रहा हूँ पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर, तो शायद से आप लोगों को थोड़ा बॉट जैसा गेम प्ले मिले, लेकिन एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, बस ऐसा नॉर्मली मैंने चला दिया। लेकिन ये जो गेम प्ले चल रहा है पीछे टीडीएम का, वो पोको एक्स थ्री प्रो का ही है, तो आप लोग समझ लेना कि कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए बीच बीच में कैसा लैग वीक होता रहता है, इसके अंदर मैं टीडीएम खेला, दो टीडीएम खेलने के बाद इतना ज़्यादा मोबाइल हीट होने लग गया, और मैं शाम के टाइम पर खेल रहा था ताकि फ़ोन ज़्यादा लैग ना करे, लेकिन ये फ़ोन अपडेट के बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। मतलब ये देखो MIUI 13 का जो अपडेट आया था उससे एक वर्जन नीचे वाला ही अपडेट है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा ना इसके अंदर, और अगर इसके अंदर मैंने MIUI 13 का अपडेट कर लिया तो समझ लेना मेरा ये फ़ोन बिल्कुल भी डेड होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा मतलब जलने जलने जैसा बास मारता है। तो यहाँ पे फिर जैसे जलने जैसे बास मारा था, तो मतलब जब पहला अपडेट आया था तो जलने जैसे बास मारा था इस फ़ोन के अंदर से, तो इस फ़ोन को क्या हुआ था, सर्विस सेंटर के अंदर दिया था, फिर सर्विस सेंटर वाले ने बोला कि कोई बात नहीं ये प्रॉब्लम होते रहता है फ़ोन के अंदर ज़्यादा हीट होने की वजह से, लेकिन तभी चल रहा था सर्दी का टाइम, और सर्दी के टाइम पर आपको पता है कि कोलकाता के अंदर कितना ज़्यादा सर्दी पड़ता है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन जलने जैसा बास मारा था। तो मैं समझ गया इस फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि इस फ़ोन को ये संभाल नहीं पा रहा प्रोसेसर, या फिर ये फ़ोन के अंदर जो है कंपोनेंट एकदम चीप लगाया हुआ है। तो बाद में मेरे को पता चला जो इसके अंदर इसका अपडेट है, अपडेट की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट लगाया वो बहुत ही ज़्यादा चीप लगाया, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को। लेकिन ये फ़ोन मैं अभी तक कैसे टिका रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि इस फ़ोन को मैं अभी तक कैसे चला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खराब हो जा रहा है, तो ये वाला फ़ोन कैसे बच गया, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाकर चैनल के अंदर चेक कर सकते हो क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोगों ने जो कल का जो मेरा मॉन्टेज था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स दिया है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि चैनल डेड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, तो वो मॉन्टेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर जरूर एक बार इस वीडियो को देखने के बाद चेक करना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर तो आप लोग जरूर जाके चेक करना अगर आप लोगों ने नहीं देखा। एंड अभी सीधा एकदम बात करेंगे कि इस फ़ोन को आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मेन बात कि इस फ़ोन के अंदर क्या हम लोगों को लैग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है एक साल के बाद। तो देखो, अगर आप लोगों ने अपना फ़ोन को अपडेट किया है और आपका फ़ोन हीट हो रहा है, तो आपका फ़ोन ज़रूर लैग होगा। एंड अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन एक ही, आप लोग कस्टम रॉम इंस्टॉल कर लो, बहुत सारे गेमिंग रॉम मिलते हैं वो वाला इंस्टॉल कर लो, तो आप लोग का फ़ोन और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बस बैटरी थोड़ा सा, बैटरी लाइफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस जो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और ये जो डेड वेट होने का प्रॉब्लम है MIUI 13 आने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्या हम लोग को इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता। अब देखो, सब फोन के अंदर हीटिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस फोन के अंदर कुछ अलग ही एक ऐसा हीटिंग प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, जिससे हम लोग का फोन ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस फोन के अंदर, कुछ ज़्यादा ही फोन हीट हो रहा है, और बैक साइड और फ्रंट साइड तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब कैमरा के साइड और जो स्क्रीन साइज है हम लोग का जहाँ पे कैमरा लगता है बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो आप लोग को पता चल जाएगा, अगर आप लोग के पास है या फिर आप लोग लेने वाले हो, मेरा बात नहीं सुनोगे तो भी आप लोग अगर लेने वाले हो, तो आप लोग का फ़ोन ज़रूर यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हीट करता है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के अंदर क्या हम लोग को टच प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को जब ये फ़ोन हीट हो जाता है, और कभी कभी ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप लोग को टच प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त ही मतलब टच प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि
टच प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग को टच प्रॉब्लम तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस ये फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और गर्मी के टाइम पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लास्ट हो जा रहा है फ़ोन, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन्होंने भी MIUI 13 अपडेट किया है उनका फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है। अब ब्लास्ट देखो दो तरीके से हो रहा है, किसी का मदरबोर्ड उड़ जा रहा है या तो किसी का पूरा बैटरी उड़ जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फ़ोन हीट हो रहा है कि फ़ोन संभाल नहीं पा रहा अपने आप को और फ़ोन हो जा रहा है ब्लास्ट। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे है लोग जो सर्विस सेंटर का वीडियो डाले, उन लोग ऐसा ट्रीट कर रहे आप लोगों जो MI वाले कि फ़ोन ख़राब हो रहा है, तो फ़ोन बिल्कुल भी उन लोग सर्विस करके नहीं दे रहे, बोल रहे कि उन लोग का फिजिकल डैमेज है। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर आप लोग को मेरा बात विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियो से, अगर आप लोग का पोको X3 Pro खराब हो जाता है, वो लोग देंगे आप लोगों को रेडमी नोट 10 प्रो जो आप लोगों को 16,000 या 17,000 के अंदर या फिर 15,000 के अंदर फ़ोन मिलता है। हम लोग 20,000 फ़ोन दे के हम लोग 15,000 का फ़ोन दे रहे हैं, मतलब इसका कोई मीनिंग है या फिर नहीं है। और हम लोग को चाहिए गेमिंग के लिए फ़ोन, और उसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 680 या फिर कुछ ऐसा मिलता है, तो हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, हम लोग को एक पावरफुल फ़ोन चाहिए और हम लोग को ये वाला फ़ोन दे रहे हैं। अब जैसे अगर आप लोगों का ख़राब विराब हो गया कुछ हो गया, तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, देखो सीधी बात बोलता हूँ, अगर आप लोगों को ये फ़ोन गेमिंग के लिए चाहिए और आप लोगों को सिर्फ एकदम अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, इस फ़ोन को नहीं ले सकते, इस फ़ोन को ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा पहले मैं वो बता दूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात, इस फ़ोन को लेने के बाद आप लोग इसका रोम चेंज कर दो, MIUI पे बिल्कुल भी मत रखना इसको, बहुत सारे गेमिंग रोम मिलते या फिर भी बहुत सारे कस्टम रोम मिलते अच्छे अच्छे, तो वो वाला रोम यूज़ करो, तो आप लोग का फ़ोन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा भी और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और 90 FPS भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास कस्टम, मतलब इसके अंदर जो आपको MIUI मिलता है उसके अंदर आप लोग यूज़ करोगे, तो आप लोगों को 60 FPS मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फ़ोन मदरबोर्ड प्रॉब्लम या फिर ब्लास्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो कस्टम रोम डालो या फिर कोई और जुगाड़ लगा लो, या फिर कोई ठंडे प्लेस के अंदर खेलो या फिर AC के नीचे खेलो, तो आप लोग का फ़ोन कुछ नहीं होगा, आपका फ़ोन जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप लोग कोई फ़ोन के अंदर मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग अगर कस्टम रोम डालोगे सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ वही रहेगा अगर आप लोग कस्टम रोम डालोगे तो। और बाकी तो यही बस सॉल्यूशन था और कुछ नहीं, अगर आप लोगों को ये वाला फ़ोन लेना है और अगर पास है तो ये सब चीज़ ज़रूर करना। और बाकी मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा कि इस फ़ोन को आप लोगों को गेमिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये वाला फ़ोन को ले लो, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो चीज़ मैंने बोला अगर वो चीज़ करोगे तो ही लेना, वरना इस फ़ोन को बिल्कुल भी मत लेना। और रिक्स तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी मत लेना, बहुत सारे और अच्छे अच्छे फ़ोन है जैसे Realme Narzo 50 Pro या फिर Realme 9 SE, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे फ़ोन है जो 20,000 के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा, उस फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन जो मैंने कंडीशन बोला अगर वो वाला कंडीशन को आप लोग फॉलो करते हो ही इस फोन को लेना, वरना मैंने जो दो ऑप्शन दिया आप लोग उस फोन को लेना। तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोग अगर 2022 के अंदर इस फोन को लेना है तो जरूर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फोन है, लेकिन जो मैं बोला वही चीज़ करो तभी लेना इस फोन को। और गाइस लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और छोटा सा बस आप लोगों का एक हेल्प चाहिए, बस वही चीज़ कर देना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग 18 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा मतलब करीब है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा मेरा हेल्प हो जाएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और 20K पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गिव अवे कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर 20K ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर वहाँ पे 1K हो जाते तो मैंने कुछ सोच के रखा है आप लोगों को लाइव के अंदर आके कुछ दूंगा मैं आप लोगों को, और कोई भी स्कैम वेम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो गिव अवे होगा ज़रूर 1K अगर उसमें करा दिया तो आप लोगों ने, तो बाकी देखते अगर हो गया तो 1K बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।